हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है अब आपके पास, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो पहले अब इसके अंदर क्या करोगे, पहले अब करोगे रेट रेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। हमने एक्स को क्या कर दिया, साइन थीटा कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन का एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वन, कॉस इट इनटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी एक्स क्या हो गया आपका, कॉस थीटा डी थीटा, लेकिन हमारा कॉस थीटा तो ऊपर है ही नहीं, तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या बल्कि हम इसको साइन, चलो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा। अब बताओ साइन थीटा क्या था, एक्स था, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा हो गया, क्लियर। तो आप डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब रखो आप इसको, क्या हो जाएगा, या आप इसको वो भी मत पुट करो, छोड़ो, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है, डीएक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, कॉस थीटा डी थीटा, आपका इसी में काम हो जाएगा। एक्स को क्या पुट करा था आपने, साइन थीटा, क्लियर। एक्स को क्या पुट करा था, साइन थीटा, क्लियर। डीएक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, कॉस थीटा डी थीटा। बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, देखो थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। अब हम करेंगे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, आई क्या हो गया, वन बाई टू, ठीक है जी। इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वन बाय टू तो हमारा भारी पड़ा रहेगा, थीटा को रखेंगे माइनस थीटा का डेरिवेटिव, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। थीटा की रिस्पेक्ट से करें, ध्यान रखना बजाय इस बात। वन बाई टू हमारा बाहर पड़ा हुआ थीटा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा राजे, डी थीटा, डी थीटा तो हमारा खत्म हो गया। माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू डी थीटा। अब हमारा इसको बाहर ले जाओ, वन बाई टू तो अभी हमारा पूरा बाहर पड़ा ही हुआ है, माइनस वन बाई टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू कॉस टू थीटा डी थीटा। कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू थीटा अपॉन टू, इस बाहर वाले टू को भी अंदर ही आओ, माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर थीटा साइन टू थीटा प्लस वन बाय एट साइन टू थीटा, ठीक है जी। सॉरी, ये हमारा कॉस टू थीटा। अब बताओ मुझे वैल्यू किसकी पता है, मैंने एक्स को माना था साइन थीटा, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं साइन थीटा को पुट करूंगा एक्स, लेकिन अभी पुट नहीं कर सकता, साइन थीटा है ही नहीं अभी। तो आई क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फोर थीटा, इसको रखूंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सही है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, प्लस वन बाई एट टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, कॉस थीटा की नहीं पता, प्लस वन बाय फोर साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूँ रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस की, ठीक है जी। अब रखेंगे बिकॉज एक्स इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन थीटा के बराबर है और थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, ठीक है। पुट करो थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर,
1/4 एक्स √1 − x² प्लस के, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये होगा इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, मानो आई इज इक्वल टू खाली साइन इनवर्स एक्स आ जाए, ये भी एक तरीका, बहुत सारे तरीके इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन के एक एक क्वेश्चन कौन है, 10-10 तरीके हैं। वेट करो, दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स, आपने इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई डेटा आ रहे हैं, लिख देना। साइन इनवर्स एक्स को रखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, हो जाएगा x² बाय 2 − x² dx, 1/2 को आप बाहर ले जाओ, हो जाएगा 1/2 x² − 1/2 x² upon √1 − x². ठीक है जी, अब x² से √1 − x² तो कट नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, -15 ले जाते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2 और -x² अंदर लिख रहा हूँ, चल सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, अंदर बाहर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन इंटीग्रल पार्ट इन न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा, 1/2, 1 प्लस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अब ये हमारा एलसीएम है, दोनों के नीचे ब्रेक हो जाएगा, 1/2 x² sin−1 x +1/2 √1 − x² √1 − x² -1/√1 − x². हाँ जी, ठीक है भाई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे, √1 − x², एक टर्म हमारी कट जाएगी, √1 − x² अब बताओ भी ऊपर आएगा फॉर्मूला क्या लगेगा, बड़े वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा a² बाय 2 sin−1 x +x/2, याद आ गया लंबे वाला फॉर्मूला, अगर ये नीचे होता तो जिसका होता उसी के साथ में a² बाय 2 आएगा, माइनस ये किसका फॉर्मूला है, प्लस के, डन। अब सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू 1/2 x² sin−1 x +1/4 sin−1 x +1/4 x, हाँ जी, -1/2 sin−1 x हो जाएगा। इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये आधा साइन इनवर्स एक्स है, ध्यान से सुनो, ये आधा साइन इनवर्स एक्स है और चौथाई साइन इनवर्स एक्स है, मतलब सोचो 58 है और 54 है, 58 में से 54 माइनस करो क्या बचेगा, 54 बचेगी, तो -54 बचेगी, ठीक है, क्योंकि -58 बड़ी है, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे हो गया ना, वो आधे का मतलब 50 में से 25, 50 में बड़े होते 25 पैसे, 50 पैसे माइनस हो जाए बड़े हैं, तो माइनस के 25 पैसे बच जाएंगे,
तो माइनस का 1/4 बच जाएगा, इट विल बी 1/2। -1/4, इधर छोटा वोटा कुछ नहीं आंसर, आप कह रहे छोटा, कहाँ से छोटा है, आना उतना ही बड़ा आंसर है, चिंता मत करो। हो सकता है कुछ सिंपली आ जाए, हो सकता है कुछ सिंपली ये वाला क्वेश्चन, खाली आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो इसका बहुत सिंपल है, इसको इंटू वन करके कर दो, जैसे भी इंटू एक्स था ना, इंटू वन करके इंटीग्रेशन में पार्ट कर दो, बट दैट इज लेंथियस वन। मुझे ऐसा लगता है कि इनवर्स का क्वेश्चन जैसे ही आता है बच्चों को प्रॉब्लम बैठे हो जाती है, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, रूट जाना है, रूट को देख के बहुत बड़ी टेंशन वैसे ही मुझे हो जाती है। और आपको पता है मेरे को दो तीन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है क्वेश्चन करते हुए, एक तो मैं रूट को खत्म कर देता हूँ पहले हमेशा स्क्वायर मान के, ज्यादातर आप क्वेश्चन देखें ना मेरे, कभी भी क्वेश्चन कराऊंगा रूट का क्वेश्चन अंदर का टी स्क्वायर पुट कर देता है, रूट हटा दो, एक फ्रैक्शन मुझे पसंद नहीं है। जैसे ही दो चीजें आती है मुझे लगता है बच्चा परेशानी होने वाला, बच्चा गलत करने वाला क्वेश्चन। अब आप देख लो इस क्वेश्चन में कितनी बार रूट आया, कितनी बार कटा, कितनी बार क्या हो रहा है, परेशानी। अब ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको थीटा पुट कर दूंगा, इनवर्स खत्म हो गया, एक्स इक्वल साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना जी। अब हमारे पास आई क्या हो गया, एक्स को हमने माना था साइन थीटा, तो डीएक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या बन गया ये आई इक्वल। अब लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कोई इनवर्स का पंगा ही नहीं है, थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे क्या हो जाएगा, थीटा को रखेंगे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, थीटा ऐसे कैसे हो रहा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 डी थीटा। अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी आपने बताया माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस कॉस थीटा हो, अब कॉस थीटा की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, रूट वन कॉस थीटा आ गया, तो पूरा ये प्लस कॉस थीटा प्लस, अब थीटा की वैल्यू मुझे पता है, कॉस साइन थीटा की भी पता है, कॉस थीटा की नहीं पता है। अब करोगे जी एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पुट करो जी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन टू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस की, साइन थीटा को हम एक्स पुट करेंगे ठीक है, और एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, सो फाइनल आंसर इज आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी डन, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर मानो आपके पास आ जाता है भैया जी मुझे कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो एक्स को कॉस थीटा पुट कर, ठीक है जी, लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम, 1 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स, अब ये माइनस साइन थीटा है, देखो एक बात सुनो, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने, तो आप लोगों ने काम करना माइनस को बाहर मत लेके जाना, माइनस को बाहर मत लेके जाओ, क्यों रीजन बता रहा हूं भाई, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, तो जब माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा कॉस थीटा लिखोगे, ये बहुत काम आने वाली बात, आपको मैं आपको दिखाऊंगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे बड़ा बार बार करते रहेंगे,
और अब डायरेक्ट आंसर टेप पे आ जाना उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, रीजन बताऊंगा ठीक है जी। तो क्या करोगे, इस माइनस को गलती से बाहर मत ले जाना, तो आपको बार बार माइनस का एक फालतू का पंगा बार बार आता रहेगा। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थीटा अलजेब्रा, थीटा को रखेंगे माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस थीटा का डेरिवेटिव, और माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, आई बिकम थीटा। बताओ साइन थीटा माइनस साइन थीटा किसका डेरिवेटिव था, कॉस थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस थीटा माइनस 1 into cos थीटा, d थीटा क्यों आएगा। अब बताओ क्या रह गया हमारे पास, थीटा cos थीटा रह गया माइनस, क्या आ गया cos थीटा d थीटा हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वेरी गुड, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा ठीक है जी। भाई ध्यान रखना पेपर में लगा के आ जाओगे इतनी देर में आप, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, तो cos थीटा का डेरिवेटिव मुंह पे आता है हमेशा और इंटीग्रेशन कभी नहीं आता ठीक है। अब बताओ हमें कॉस थीटा की वैल्यू तो पता ही है, साइन थीटा की नहीं पता, तो माइनस कॉस का थीटा प्लस वन, बिकॉज एक्स इक्वल टू है कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस √1 − x² + k, सो आई बिकम्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ओके दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अभी आपको क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे इसके अंदर भी। आपने एक्स को पुट कर दिया जी कॉस थीटा, सिंपल जो हमें आता वही पुट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स आता नहीं होगा सर, माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन देखिए किसी रीजन से बता रहा हूँ, चलिए माइनस साइन थीटा डी थीटा एक क्वेश्चन पे मत स्टिक हो जाए ठीक है। तो अब बताओ ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, आई बिकम्स कॉस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो आई क्या बन जाएगा, माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ठीक है जी। टू से क्या करेंगे डिवाइड, टू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस को बाहर ही ले जाओ, थीटा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब हमारा इंटीग्रल बहुत आसान है, मुझे थीटा का इंटीग्रल भी आता है, कॉस साइन टू थीटा का भी आता है। फर्स्ट पार्ट अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई इज इक्वल टू −1/2 बाहर पड़ा रहेगा, थीटा को रखेंगे और फिर सो रहा है बेटा, तो ये 7वीं बार सो रहा है क्लास के अंदर इस साल के अंदर, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डेरिवेटिव, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, थीटा कॉस साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन अभी बार तेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं, घर पे ऐसा क्या करता रहता तो रात। तो क्या होगा स्कूल जाता तो कॉस
कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन। बस ठीक है जी, अब सबको अंदर ले जाओ। आई बिकम्स 1/4 थीटा कॉस टू थीटा माइनस 1/4 माइनस 1/8 साइन टू थीटा प्लस की। अब आपको कॉस टू थीटा को ऐसे कन्वर्ट करना था कि कॉस आ जाए। कौन से फॉर्म में कॉस की फॉर्म में होता है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, प्लस 1/4 साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता मुझे। पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है जी। फाइनली आंसर क्या आ गया? बस इसी को ढंग से लिख दो। बस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स ठीक है जी। समझ आती बात है तक? डन। अच्छा अब एक मिनट, मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा तुम वही तो पढ़ोगे ना? मैं तुम्हें पढ़ाया थीटा हुआ थीटा, तो तुम्हें और कैसे पता चलेगा? कोई और तुम्हें कुछ पढ़ाएगा नहीं, तुम कैसे करोगे? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं कभी और मेथड, समझ गए? आई इज इक्वल टू, वो तो इसने बोला तो मैंने इसको करके दिखा दिया। हाँ जी ठीक है, मैं चलो देखती हूँ। अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स, करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी साइन इनवर्स रूट एक्स। हाँ जी बताओ भाई, हम नहीं करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो ये बोल रहा है मैं नहीं करूंगा गलती से, क्योंकि इसको अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने होगा तो 15 मिनट लग जाएंगे मुझे क्वेश्चन करने में। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना आप जरा, ठीक है जी समझ आती बात? अब ये 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो साइन टू थीटा डी थीटा, तो यार डी एक्स की जगह पे क्या आएगा? साइन टू थीटा डी थीटा। एक्स को आपने क्या पुट करा था? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। देखो बोलो क्या करोगे? साइन वर्स साइन थीटा ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन में पार्ट्स, थीटा को रखेंगे साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डेरिवेटिव, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन इस पूरे का, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है जी। आई क्या हो जाएगा? थीटा कॉस टू थीटा क्लियर, माइनस प्लस 1/2। जब कभी रूट का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट कोशिश करा करो कि आप लोग फुट करके करो, और जब कोई विदाउट रूट का जाए टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्ट करना कोशिश करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? और तनुष की मत सुनना गलती से बैठ के, कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू पता है? साइन स्क्वायर थीटा की पता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस की।
रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखना, एक्स को मैंने पुट करता साइन स्क्वायर थीटा, रूट एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा, और साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो गया थीटा। तो आपने तीनों वैल्यूज पुट करनी, जाने आपको जो जो कुछ नजर आए क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर व्हिच यू हैव टू डू। गॉट इट? सो दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। अरे ठीक है जी, कॉपी कर लो आप। अब क्या करें, क्वेश्चन तो करने हैं। सुनो भाई, आज आपके पास डबल होमवर्क है।